मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको MCQ और assertion reasoning के आंसर दिए थे सेट 56 by 3 by 1, 2 और 3। इस वीडियो में मैं 56 by 2 by 1, 56 by 2 by 2 और 56 by 2 by 3 और इसी के बाद 56 by 4 by 1 और 56 4 by 2 और 56 4 by 3 इन छह जो आपके सीबीएसई के पेपर अलग अलग स्टेट्स में हुए हैं उनके ऊपर मैं आपको आंसर देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो का एंड तक देखें और जिसका जो भी पेपर आया हो उसको आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो 56 by 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर तो आप बड़े आराम से यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन है देख सकते हैं विजुअल है। तो 11 का D 12 का A 13 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सीबीएसई आपको ग्रेस देगी क्योंकि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन के अंदर ये पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 4 आएंगे जबकि ऑप्शन में कोई भी ऐसा आंसर नहीं है तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे 1 मार्क्स का ग्रेस मिलना चाहिए। 14 का A 15 का C 16 का C 17 का A 18 का C 19 का C और 20 का A बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े आराम से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से उसका सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं। कहीं पे कंट्राडिक्शन आपको क्रिएट होती है तो पूछ सकते हैं। मेरे पास 56 by 4 by 1 और 56 by 4 by 3 के सैंपल पेपर स्टूडेंट्स ने भेजे थे जो सीबीएसई में आए थे उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 56 by 4 by 2 का पेपर मेरे पास नहीं है और अगर आपको आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9416276366 अगर आप मुझे पेपर सेंड कर देते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो 56 by 4 by 1 में आप देख सकते हैं 11 का C 12 का D 13 का C 14 का C 15 का B 16 का B 17 का A 18 का D 19 का A 20 का C इसी तरह आप यहाँ पे ऑप्शन देख के अपने पेपर को चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये की आपको हेल्प करेगी और जहां पे भी आपको डाउट लगता है आप मेरे से क्वेश्चन पेपर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं मैं उसका एग्जैक्ट आंसर आपको जरूर दूंगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।